कैसा लगा? हैप्पी मदर्स डे। ओ भाई तुम मानोगे नहीं, हम पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम भी। बैक टू माई चैनल। आई होप आप सारे मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ एकदम। तो आज का व्लॉग सीधा गाड़ी से स्टार्ट करते हैं। आज शीतला माता मंदिर जा रहे हैं ऐसे। तो अभी मैप वैप सेट करते हैं, मेरा ये चल नहीं रहा, मैं थोड़ा सा आगे निकल रहा। बोलो जय शीतला मैया की जय। भाई निकल चुके अपन शीतला मैया की जय। ऐसे बोलना था क्या? लाडो इतनी गंदी फोटो ली है इसने मेरी। अभी हरिद्वार वाली ऐसे टेढ़ी सी पड़ी हुई और ये हम सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। तू अब टेढ़ी सी पड़ी है तो मेरी क्या गलती है इसमें? बैंक से बैठती ना, मुझे क्या पता कि तू वो भी डाल देगा। 10 किलोमीटर आते ही एक नया एक्सप्रेस वे बना है हमारे यहाँ, द्वारका एक्सप्रेस वे। वो सेक्सी बना है बहुत ज्यादा, है ना। मुंह खोल के बैठी फिर बोलेगी कि मेरी ऐसी वीडियो डाल दी। बोल के मत बैठना तो आपको भी भाई। मैं भी 2:30 बजे का जगा हुआ हूँ। भाई नींद ही नहीं आ रही थी, क्या करूँ? गलती तेरी है। ठीक है सॉरी। उसको वो करना बैग में आ गया। हां उठी हूं ना तो इसका फोन गिरा सोफे में। हां मेरा लेट हुआ था बस। चलते हैं सीधा दर्शन करने के लिए। अभी कुछ खाया नहीं है सुबह से, 2:30 बजे के जगे हुए हैं। अब सीधा दर्शन करने चलते। पहली बार आए हैं हम लोग इतनी पास होने के बाद भी मंदिर, बहुत मानता है इनकी। अपने जूते ही उतार दिए, क्या करेंगे, वहाँ पर भी देने ही पड़ेंगे और यहाँ पर भी उतार सकते हैं आराम से। अपनी गाड़ी है तो फायदा तो उठाना ही पड़ता है। तो सब लोग रेडी हो गए हैं, मैंने एक वाइट पहना है आज। अब पहुँच चुके हैं वहाँ, पार्किंग चेंज करके यहाँ पार्किंग कर दी है। तो अब यहाँ पर हमने प्रसाद ले रहे हैं। कितने कितने का प्रसाद है? 100-100 सौ सौ रुपए का। और ये महंगे 500 का 1100। बड़े महंगे प्रसाद है यार। ये राधे 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 राधे। अब सीधा चलते हैं मंदिर, थोड़ा सा ही दूर है, मतलब 10 कदम। एंट्री गेट है मंदिर का। ना रूल रेगुलेशन ना कुछ भाई, ना संभालने वाले, बस पैसे दान करवाओ जितने करवाने। दान दान बेटी दान दान। ये भाई मेन एंट्री है आगे, तो मंदिर के अंदर जाते हैं यहाँ से। अब वो री माता जी। चलते रहो बढ़ते रहो, जय माता दी करते रहो। वो लोग वहाँ पर ऐसा प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं और मैं और लाडो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर देखो लाडो भाई, ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो यहाँ रीबिल्ड होगा। अब ये देखो लो तुम, ये देख रहे हो आप, मतलब क्या क्या सेंस है। यहाँ लोगों को बैठना चाहिए, माता के दर्शन करने के लिए जगह होनी चाहिए। लो इसमें डाल भाई, इतने सारे नारे ले लिए हमने। देखो प्रसाद का अंबार है, 3 नारे इसमें 4 नारे ले लिए। वो ये जरूर डालियो, ये देखो मंदिर का पूरा नाश मार रहा था। ये देखो मम्मी के पास 4-3 नारियल है, 4 नारियल है मम्मी के पास भी। बापरे डाल दे मम्मी। वाह किसमें? सेल्फी ले लो। चलो भाई हमारी सेल्फी टाइम है, देख सेल्फी। ये सारे यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं दर्शन करने के लिए हर जगह। ये मन्नत के धागे बांधो यहाँ पर, इसके सामने ये मन्नत के धागे हैं। दर्शन तो ठीक हो गए, मतलब है आ जाएंगे, कहीं भी होंगे, फोन तो है सबके। दर्शन तो ठीक हो गए, अब जा रहे हैं हम बाहर सारे के सारे। अब कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। टाइम ज्यादा नहीं लगा, आधा घंटा ज्यादा बस। आगे वहाँ से दर्शन करके और मतलब गाड़ी पे बैठेंगे। मेरी मम्मी यहाँ घूम रही है, गाड़ी निकाल रहा हूँ, बस जूते पहनने, जूते पहन के बस गाड़ी निकालेंगे और निकल जाएंगे। अभी जा रहे हैं कहीं पे खाने के लिए। हेलो हेलो, अभी यहाँ से निकलते हैं, अब वहीं का ब्लॉग बनाते हैं जहाँ पर हम खाने जा रहे हैं। तो भाई मतलब वहाँ से निकल चुके थे और 1 घंटे का ड्राइव करके अभी हम आए हैं यहाँ पर नारियल पानी पीने। अभी बाहर चलते हैं, आपको वहाँ का दिखा देना पियेंगे। हेलो लाडो, लाडो पी के दिखाओ एक बार। पी लो पी लो, पी के दिखाओ मामा को, आराम से रहने। पी के दिखाओ,
ऐसे पियो पियो नहीं पियो पी लिया इसने यानी मेरे को दो तुझे खाली मेरे को कौन देगा पहला तो मेरे को कौन देगा बोल दो ये अपने को भी मिल गया नारियल नारियल पानी ब्रेक नारियल पानी पीते हैं फिर निकलते हैं आगे और अब हम चल रहे हैं सीधा डोसा खाने वाले कितने किलो का हुआ तरबूज नहीं पाँच किलो साढ़े पाँच पाँच ही किलो का था क्या क्या पूछ रहे थे कौन आते हैं यहाँ पे पुलिस वाले बीट वाले हाँ तो पैसे लेके जाते हैं 7-8 हज़ार रुपये महीना है तो भाई अभी वहाँ से निकल गए थे नारियल पानी पी के और अब आ गए हल्दीराम चलो सीधा खाएंगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर खाते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं क्या क्या खा रहे हैं हम लोग ठीक है इनका नया मेन्यू टाइप का कुछ आया है बढ़िया पहले नहीं था ये अभी है नया नया इधर 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 लाडी हमने फुल ऑर्डर कर दिया अभी आएगा तो दिखाते हैं क्या क्या ऑर्डर करा कहाँ जा रहे हो चलो नहीं लटकना नहीं है लटकना नहीं है चलो ये तो तुम्हें भाई खाली लग रही है अभी दिखाता हूँ मैं कितना ऑर्डर करा है एक और चीज लेने जा रहा हूँ उसके बाद दिखाता हूँ अरे यार भटूरा ऑर्डर करा है एक भटूरा सिर्फ एक भटूरा देखोगे कितना सारा ऑर्डर कर हाँ तब मैंने ऑर्डर कर चुके हैं हम इनका अभी एक चीज और रह गई है अब खाते हैं बहुत मजे से ठीक है सब सोच रहे होंगे ये रैंडम प्लान कैसे बन गया आज है 12 मई तो आज है मदर्स डे तो ये तीन माताएं हैं हमारे घर की एक दो तीनों सबसे बड़ी माता उससे छोटी और सबसे छोटी तो सबसे पहले हम लोग गए थे मंदिर और सबने दर्शन करे अच्छे से अब सबको खाना खिलाने के लिए लाए हैं हम लोग अब खाना खा रहे हैं कैसा लगा भाई आके कैसा लगा मजा आ गया मम्मी कैसा लगा हैप्पी मदर्स डे थैंक यू हैप्पी मदर्स डे आपको भी मदर्स डे आप ही तो मदर हो उस पर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती चलो भाई हम भी खाते हैं बड़ा मस्त है अच्छा लग रहा है बड़ा मैंने मुंबई में खाया वैसे ही लग रहा है तो देखो लाडो भी सो चुकी है और गोला भी सो चुका है हमारा और मैं भी सोने जा रहा हूँ मेरे को बहुत नींद आ गई यार दोपहर से जगा हुआ अब फटाफट बस गाड़ी लगाता हूँ यहाँ पर क्योंकि अभी फिर दोबारा कहीं निकलना है तो अभी आगे मिलता हूँ अब यहाँ पर सोने के बाद हम लोग अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में एक घंटे की नींद लेके पापा को छोड़ा है और अभी हम कहाँ जा रहे हैं फार्म हाउस चेकआउट करने जा रहे हैं चेकआउट मतलब देखने जा रहे हैं हम लोग कैसा है क्या है उसमें क्या क्या सुविधा है देख ले भाई पूल में ऐसे नहाएंगे हम मिस करेगा होमो होने वाला है इसको बहुत अभी और हम जान के भी कराएंगे ये वीडियोस भेजेंगे मेरे भाई सब भेजेंगे तेरे को कॉल पे रखेंगे साइड में ना अबे यार तू वो कितना मजा आएगा अगर होता वहां पे मैं तो बोला था कैंसिल कर दे भाई साहब ओ भाई तुम मानोगे नहीं हम पता नहीं कहां पर जा रहे हैं हमें भी नहीं पता देखो सामने रोड देखो एक बार एक फार्म हाउस हमारे सामने निकल गया बड़ा मस्त है और अब हम पहुंच रहे हैं अपने फार्म हाउस सिर्फ 2 किलोमीटर रह रहा है हमारा हम आपको भाई ये देखो ये नेक्स्ट लेवल होगा दिल्ली गुड़गांव में ऐसा भी है मैं तो पहली बार देखा है भाई ये कुछ अलग है ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं हम भी दिल्ली और गुड़गांव के आसपास
अच्छे से ना गाड़ी आ सकती है स्पीड में। आ गए हम मसूरी ऐसा लग रहा है कि जैसे गुड़गांव का मसूरी है तो हॉस्टल जा रहे थे ना मसूरी में, ऐसी रोड थी वो नीचे जाने वाली भाई। तो हम लोग ना ये करेंगे कि अपना बर्थडे के बाद ट्रैक करने आएंगे यहाँ पे यहाँ देख लेंगे कोई हाइकिंग स्पॉट भाई। चलो 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 अपना वहां से हाइक करेंगे सुबह सुबह 4 मिनट में पहुंच जाएंगे, मिलते हैं लोकेशन पे। ठीक है बाय। ये आ गया भाई, यही है, ये भी यही जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये भी यही आ रहे हैं। चलो थोड़ा आगे कर ले इसको, है तो भाई है। वीडियो बन रही है इसको गाइस। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने भाई सोया फार्म बेसोया, बेसोया इसकी प्रोनंसिएशन है बेसोया, मैं भाई सोया बन रहा हूं। इन भाई ने अभी रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी, पूरा फार्म हाउस घूम चुके हैं धूप में, ठीक है, इनने रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर रखी थी। हमने सारे व्यूज दिखा दिए, सब दिखा दिया विदाउट रिकॉर्डिंग ऑन किए। ये देखो भाई, ये है इनका लिविंग रूम, ठीक है, अच्छा नहीं है दादा। और ये बैठने की जगह है, ये किचन है, और एक ये रूम है 2 BHK, और एक ये वाला रूम है, सेम ही है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। और देखो ये है व्यू यहाँ का, वहाँ पर पूल है जहाँ मैं मिस करूँगा इन लोगों को बैठ के चिल करने के टाइम पे, वो रहा पूल, वहाँ बैठने की जगह, वो पहाड़, पीछे पहाड़, यहाँ पहाड़, कहाँ कहाँ नहीं पहाड़, पहाड़ों के बीचों बीच है ये। मजा आ गया मगर। 13-12 कोई ऐसी गेम है जिसमें 12 बंदे इंक्लूड हो पाए, बढ़िया सही है, मतलब जगह बहुत मस्त है। इसी लोकेशन के लिए हम इतनी दूर ट्रैवल करके आए हैं, बस देखने के लिए कि कैसी जगह है ना। भूख लग रही है क्या भैया? हाँ भाई भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, हम निकल चुके हैं 13,000 रुपए मतलब 12 बजे निकले थे, मगर मैं तो 1 ही घंटे सोया हूँ ना। ये बंदा बहुत सही ट्रैवल कर रहा है अपनी लाइफ और स्ट्रगल देख रहे हो। सुबह कितने बजे गया? सुबह 2:30 बजे का जगाऊं भाई, जग गया तो 5:30 बजे हूँ, जगह 2:30 बजे का। और इनने फिर वीडियो बनाई, और ये है हमारे एंट्रेंस, देखो एंट्रेंस दिखा देता हूँ, यहाँ से ऐसे यहाँ से घुसते हैं, ये बना रहे थे मगर इनने रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी, और ये पूरा पूरा सेट है, देखो पसीना आ गया। बाय, पीस आउट, मिलते हैं आगे को। मिलते कैसे 18? मतलब हम अपना वीडियो व्लॉग बना के डाल देंगे सबके चैनल पे। मैं नहीं यार, पता है मेरे को बहुत अब फॉर्म हो रहा है, अब लग रहा है भाई होना चाहिए था। चलो मिलते हैं कहीं पे, खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, देख रहा हूँ पसीने में लथपथ हो चुका हूँ भाई। हम मतलब 1 घंटा या 2 घंटे से ड्राइव करके वहाँ से जहाँ पर लास्ट लोकेशन थी वहाँ से आके अभी यहाँ पहुँचे राजू चूर चूर नान वाले के पास, और अभी नान खाएंगे, और नान खाने के बाद भाई चूर चूर नान मंगाए हैं, अभी ये खाते हैं, थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, सुबह से नहीं खाया, सुबह खाया था जो आपने देखा, इसके बाद ये खा रहा हूँ मैं अब। एक हमने खाना तो खा लिया, एक ही बारी में खा लिया, 2 बारी में खाया भाई, 2 प्लेट आई थी। हम खा रहे पी रहे मैंगो लस्सी, तो हमने खाना खा लिया अच्छे से, और ये है राजू चूर चूर नान वाला तो नहीं लिखा मगर हाथ चूर चूर नान। तो भाई खाना तो मस्त है, सुशांत भाई की बहुत अच्छा, सुशांत भाई लेके आए हैं, सबसे फेमस है ये, बेस्ट ठीक है भाई, द्वारका में नहीं वैसे दिल्ली में ही फेमस है भाई, बहुत अच्छा नान, क्रेजी है। देखो भाई ये रहा रोड, और ये रहा चूर चूर नान वाला, आ जाना ठीक है, पक्का आना। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आप शायद आपको बहुत मजा आया होगा, शायद क्या मजा ही आया होगा भाई, आपको मसूरी में नहीं मिल पाएगा ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे, मैं अपना एक नया सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, उसमें मिलते हैं ठीक है, बाय ठीक है, पैकअप ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, भाई को नहीं लिया भाई, आप भी बाय कर दो, ठीक है बाय, ठीक है बाय, ठीक है, बता दूं पहले ठीक है।